टुडे आई एम टीचिंग यू चैप्टर नंबर 7 इन ज्योग्राफी, द नेम इज ह्यूमन एनवायरनमेंट। नाउ अर्ली ह्यूमन बीइंग्स डिपेंडेंट ऑन नेचर फॉर फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। पहले जो लोग होते थे बिल्कुल ही नेचर पे डिपेंड थे अपनी फूड क्लोथ से शेल्टर के लिए, लेकिन जैसे उन्होंने क्रॉप्स उगाने शुरू किए, दे स्टार्टेड बिल्डिंग होम्स। सेटलमेंट्स आर प्लेसेस वेयर पीपल बिल्ड देयर होम। सेटलमेंट्स वो जगह होती है जहाँ पर लोग अपने घर बनाते हैं। तो पहले लोग केव्स में रहते थे, ट्रीज में रहते थे, लेकिन जब उन्होंने क्रॉप्स ग्रो करने शुरू किए तब वो ज़रूरी हो गया कि उनको वहाँ पे उसकी देखभाल करने के लिए रहना पड़ा। तो इस तरीके से उन्होंने परमानेंट हाउसेस बनाने शुरू किए। तो सेटलमेंट ज़्यादातर वहीं पे होते हैं जहाँ पे लैंड फर्टाइल होता है, जहाँ पे वाटर अवेलेबल होता है। नाउ सेटलमेंट्स कैन बी परमानेंट एंड और टेम्प्रेरी। टेम्प्रेरी सेटलमेंट वो होते हैं जहाँ पे लोग थोड़े टाइम के लिए रहते हैं। अब परमानेंट सेटलमेंट वो होते हैं जहाँ पे लोग हमेशा के लिए रहते हैं। नाउ नेक्स्ट पेज। नाउ रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट्स। द रूरल सेटलमेंट्स आर फाउंड इन विलेजेस। यहाँ पे ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर करते हैं, फिशिंग करते हैं, फॉरेस्ट्री करते हैं। और जो रूरल सेटलमेंट है दे कैन ऑल्सो बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन इज़ कम्पैक्ट एंड अदर इज़ स्कैटर्ड। कम्पैक्ट सेटलमेंट वो होते हैं जिसमें हाउसेज होते हैं एक दूसरे के क्लोज होते हैं, और जो स्कैटर्ड सेटलमेंट होते हैं यहाँ पे हाउसेज होते हैं एक दूसरे की दूरी पे होते हैं। इन रूरल एरियाज़ पीपल बिल्ड हाउसेज टू सूट द एनवायरनमेंट। तो जो रूरल एरियाज़ में ज़्यादातर जो लोग होते हैं जो अपने घर बनाते हैं एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग बनाते हैं, जहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल पड़ती है तो वहाँ पे स्लांट रूफ वाले घर बनाते हैं, और जहाँ पे बहुत क्लाइमेट बहुत हॉट होता है तो वहाँ पे लोग मड हाउसेज बनाते हैं। अर्बन सेटलमेंट में ज़्यादातर बड़े होते हैं, अर्बन सेटलमेंट ज़्यादा बड़े होते हैं, और यहाँ पे जो लोग एंगेज होते हैं ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और सर्विसेज में इन्वॉल्व होते हैं। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट पैराग्राफ। देर आर फोर मेजर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। फर्स्ट इज़ रोडवेज। द मोस्ट कॉमन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर रोड्स। तो सबसे कॉमन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है रोड। अब इसमें ये कच्ची रोड भी हो सकती है, पक्की भी हो सकती है। और जो रोड्स प्लेन्स में होती हैं वो ज़्यादा डेंस होती हैं। इसके अलावा रोड्स माउंटेन में भी हो सकती हैं। इसके अलावा जो रोड्स अंडरग्राउंड होती हैं दे आर कॉल्ड सबवेज। जो रोड्स अबव द ग्राउंड होती है दे आर कॉल्ड फ्लाईओवर्स। रेलवेज। रेलवेज कैरी हैवी गुड्स एंड पीपल ओवर लॉन्ग डिस्टेंस क्विकली एंड चीपली। तो जो रेलवेज होती हैं वो लोगों को और गुड्स को लॉन्ग डिस्टेंस ले जा सकती है, वो भी लो रेट्स में। तो जो स्टीम इंजन का जो इन्वेंशन हुआ उससे जो रेलवे ट्रांसपोर्ट है वो उसकी ग्रोथ जल्दी होगी। इसके अलावा अब जो हैं सुपर फास्ट ट्रेन इंट्रोड्यूस हो गई, जिससे जो जर्नी हो गई और फास्ट हो गई। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट पैराग्राफ। वाटरवेज। देर आर टू टाइप्स ऑफ वाटरवेज, वन इज़ इनलैंड एंड अदर इज़ सी रूट। तो दो टाइप के वाटरवेज होते हैं, एक इनलैंड और दूसरा है सी रूट। तो जो इनलैंड वाटरवेज होते हैं ये रिवर्स एंड लेक्स के थ्रू यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन होती है। और जो सी रूट्स होते हैं वो इसमें जो गुड्स होते हैं दे आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन कंट्री टू अदर। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट पेज। इज़ द फास्टेस्ट एंड एक्सपेंसिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो ये सबसे फास्टेस्ट एक्सपेंसिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। तो ये बैड वेदर से इफ़ेक्ट होता है। तो ये ओनली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है जिसके सहारे वहाँ पे जाया जा सकता है जहाँ पे हॉर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए जाना इम्पॉसिबल है। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट पैराग्राफ। कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग मैसेजेस टू अदर्स। नाउ कम्युनिकेशन कैन बी वन टू वन एंड वन टू मैनी। वन टू वन कम्युनिकेशन इज़ डन थ्रू मोबाइल्स एंड टेलीफोन्स। और जो दूसरी होती है वन टू मैनी, दैट इज़ कॉल्ड वेन द कम्युनिकेशन और द मैसेजेज आर सेंड टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल, दैट इज़ कॉल्ड मास कम्युनिकेशन। नाउ सेटेलाइट्स हैव मेड कम्युनिकेशन फास्टर। सेटेलाइट्स ने जो कम्युनिकेशन है उसको और फास्ट कर दिया। तो सेटेलाइट्स से अब हमें ऑयल एक्सप्लोरेशन में हेल्प मिलती है, फॉरेस्ट सर्वे करने में हेल्प मिलती है, इसके अलावा मिनरल वेल्थ के बारे में पता लगता है, इसके अलावा ये वेदर फोरकास्ट के बारे में बताता है। नाउ द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हैज़ मेड आर लाइफ कम्फर्टेबल। सो दिस एंड्स द चैप्टर। थैंक यू।